ये सारे तेरे अंकल अंटियां दीदी भाजी बैठे है ते बिल्कुल डरना नहीं, गलत भी बोलेंगी तां वी ओह ठीक है साडे लई, ठीक है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम की, प्रभु यीशु मसीह के नाम की। आइए असी सब जन तीन बार हालेलुया दा नारा लावांगे। तुसी दोनों हत्थां नूं चक के प्रभु नूं पूरी महिमा देनी आ। हालेलुया, 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 हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। मैं आप सब दा इस पवित्र स्थान ते तुहाडा निघा स्वागत करदी हां। मैं प्रभु दे अभिषिक्त दास दासी ते आई हुई सारी पवित्र कलीसिया नूं मेरे वालों प्यार भरी जैम सिंह। मैं प्रभु दा धन्नवाद करदी कि प्रभु ने अज मैनूं इस स्थान ते खड़े होण दा मौका दिता। इस जगह ते प्रभु दी मर्जी तो बगैर कोई भी खड़ा हो नहीं सकदा। हालेलुया, प्रभु दी मर्जी तो बगैर इत्थे कोई भी खड़ा हो नहीं सकदा। लत्तां कंबदियां आ जे असीं विदाउट फास्टिंग विदाउट प्रेयर इत्थे खड़े होवांगे ना, बोल नहीं होना। हालेलुया, प्रभु ने अपने कलाम दे विच भी लिखा, प्रभु ने कहा जिस ते मैं दया करदा उस ते दया हुंदी है ते जिस ते मैं अनुग्रह करदा उस ते की हुंदी है, अनुग्रह हुंदा है। ते अज प्रभु दी भी वड्डी दया मेरे उपर होई है कि उन्हें मैनूं इस काबिल समझा कि तुहाडे विच खड़ा कीता। हालेलुया, अज दा मेरा टॉपिक हैगा बच्चियां ते, मैं भी एक बच्ची हाँ, दैट्स वाई मेरा टॉपिक हैगा बच्चियां ते। हालेलुया, प्रभु ने इस वचन दे राही तुहानूं दसना कि बच्चे तुहाडे वास्ते किन्ने इंपॉर्टेंट आ। हालेलुया, मैं एक बच्ची हाँ, प्रभु ने मैनूं इस काबिल समझा, 15 साल की उम्र के ही प्रभु ने मैनूं इत्थे खड़े होने का मौका दिता। मेरे तो भी वधिया वधिया बच्चे साडे विच बैठे आ जिहड़े मेरे तो भी उच्चिया उच्चिया जगावां ते वड्डियां वड्डियां जगावां ते प्रचार करनगे अगे जाके। हालेलुया, आओ असीं सारे अखां नूं बंद करांगे। छोटा जिहा कोर्स तुसीं मेरे पिछे पिछे बोलना आ, तुसी प्रभु तो मंगना, प्रभु नूं कहना कि अज प्रभु बोल मेरे नाल, अज गहरे पेतां नूं की कर साडे उपर खोल। आइए सारे जने अपने अखां नूं बंद करो। थैंक यू जी। बोल मेरी नाल, बोल मेरी नाल, बोल पाक रूह, पेत दिलां दे, पेत दिलां दे खोल पाक रूह। बोल मेरी नाल, बोल मेरी नाल, बोल पाक पेत दिलां दे, पेत दिलां दे खोल पाक रू। बोल 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 साडे नाल पाक रू, बोल 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 साडे नाल पाक रू। बोल दस जिवें कदे मूसा नाल तू, बोल दस जिवें कदे मूसा नाल तू, अज गल्लां कर साडे नाल पाक रू, अज गल्लां कर साडे नाल पाक रू। बोल मेरे नाल, बोल मेरे नाल, बोल पाक रू, पेत दिलां दे, पेत दिलां दे खोल पाक रू। बोल मेरे नाल, बोल पाक रू, पेत दिलां दे, पेत दिलां दे खोल पाक रू। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ने अपने पवित्र कलाम विच किया, प्रभु ने क्या कहंदे, मैं मूर्खां नूं चुणदा ताकि बुद्धवानां नूं की कर सकां, लज्जावान कर सकां। प्रभु साडे वर्गे मूर्खां नूं चुणदा है ताकि वह बुद्धवानां नूं की कर सके, लज्जावान कर सके। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम की। प्रभु ने पवित्र कलाम दे विच कहा, प्रभु ने की कहा, प्रभु ने कहा कि मैं दुध पींदे बच्चों तो भी अपने उस्तत करवाने की रखदा हाँ, सामर्थ रखदा। हुण जे अज भी असी अपने बच्चों प्रभु दे राह सीधे नहीं ना करांगे, अज भी असी वचन नहीं सुनांगे, तो प्रभु ने की कहा सीगा उन्होंने, कहिंदे अगर तुम चुप हो जाओगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया, हुण पवित्र कलाम दो धारी तलवार आ। पवित्र कलाम की आ, वचन की आ, दो धारी तलवार। जदों कोई म्यान चो तलवार कढ़न लगता ना, जिहड़ी ओह दो धारी हुंदी आ, दोनों साइड्स तो जिहड़ी तिखी हुंदी आ, ओह कदे कढ़दे कढ़दे अपने भी लग जांदी आ। हालेलुया, ते वचन भी इदां ही आ, जदों कोई बोलदा ना दिल छिद जांदे आ, दिलां ते लगदा आ वचन। हालेलुया,
प्रभु ने तो कहा अपने बच्चों नूं उठदे बैठदे सौंदे खांदे पींदे तुसी की करो मेरे नाम का प्रचार करो। असी करते हैं असी अपने बच्चों नूं प्रचार। हालेलुया। हुण असी कलाम दे विचों पढ़ांगे कि प्रभु ने बच्चों की किन्नी अहमियत दसी। प्रभु ने दसिया कि साडे वास्ते बच्चे किन्ने इंपोर्टेंट आ। असी कढ़ांगे भजन संहिता 127 दी 3 ऐत। वेखो बच्चे यहोवा वल्लों मीरास हन, ढिड दा फल एक इनाम है। हालेलुया। वचन विच असी की पढ़िया, प्रभु ने कहा बच्चे यहोवा वल्लों की हन मीरास हन। मीरास दा मतलब प्रॉपर्टी, मीरास दा मतलब प्रॉपर्टी। बच्चे यहोवा वल्लों मीरास हन। हुण मैं तुहाडे तों एक क्वेश्चन पूछना चाहनी हाँ। वह जन हाथ खड़ा करो जेडे अपने बच्चों वेच के या अपने बच्चों गिरवी रख के कुछ लेंदे। कोई हैगा इदां दा कठोर दिल? नहीं हैगा। कोई भी अपने बच्चों नहीं वेचता क्योंकि बच्चे सारियां नूं प्यारे हुंदे आ। हालेलुया। एक साइड ते वचन दे अकॉर्डिंग मीरास तुहाडी सारी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सोना ओह मीरास आ, कि एक साइड ते मीरास तुहाडे बच्चे आ? कोई दस सकदा? पवित्र कलाम के अनुसार मीरास तुहाडे की हन? बच्चे हन। प्रभु ने सानू अपना खून दे के खरीदया, प्रभु ने सानू अपने खून दे मोल खरीदया। तुसी अपने बच्चों कमज़ोर ना समझो, लाइटली ना लियो अपने बच्चों। अज के बच्चे जिहड़े हैगे ना अगे जाके अपोस्टल्स बनणगे, भविष्यवाणियां करणगे यीशु दे नाम च। आमीन। असी अपने बच्चों वचन नहीं ना सिखाते, इसलिए साढ़े बच्चे परमेश्वर तो दूर आ। हालेलुया। हुण असी अपने बच्चों का रिश्ता प्रभु दे नाल किद्दां दा गहरा करना आ? पता किद्दां? जिद्दां माँ का रिश्ता, माँ का प्यार अपने बेटे दे नाल हुंदा आ, ते बाप का प्यार अपनी बेटी दे नाल हुंदा। इदां दा प्यार असी अपने बच्चों का करना प्रभु दे नाल। हालेलुया। मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल दसदी हाँ। एक बार एक शिप जा रही सी, उहनूं एक कैप्टन चला रहा सी। हालेलुया। कैप्टन चला रहा सीगा ते उहदी छोटी जी बेटी उहदे नाल सीगी। उहदे शिप दे विच किन्ने सारे अलग अलग प्रकार दे की सीगे जानवर सीगे जिहड़े अलग अलग पिंजरां दे विच बंद सीगे। अचानक शिप दे विच की होया, शिप दे विच नहीं समुंदर दे विच तूफान आ गया, ते जिहड़ा शेर दा पिंजरा सी ना उह बाई चांस खुल गया, ते जिहड़ी उह छोटी जी बच्ची उहदे नाल सीगी ना कैप्टन दी बेटी उह डर गई। हालेलुया। उह जल्दी तों अपने पापा दे कोल जाके पापा दे पिछे जाके लुक गई। जदों अपने पापा दे पिछे जाके लुक गई ना, उन्हूं किसे भी चीज़ की टेंशन नहीं सीगी। उन्हूं आ नहीं टेंशन सी कि अगे शेर आ उह मैनूं खा ना जावे। उन्हूं आ नहीं टेंशन सीगी कि तूफान आ रहा है मैनूं कुछ हो ना जावे। हालेलुया। जे असी मुसीबत के समय विच इदां ही प्रभु दे कोल चल जावांगे जिन्हें साडे वास्ते सलीब ते अपनी जान देती, कंडियां दा ताज पवाया, हत्थां दे उपर की ठुकवाए, किल ठुकवाए, कि उह सानूं मुसीबत विच पैण दऊगा? नहीं पैण दऊगा। हालेलुया। साढ़े तो जिन्ना हो सकता अपने बच्चों नूं अपना असी अपने घर विच ही बच्चों नूं ज़्यादा तो ज़्यादा प्यार देना। जे असी घर विच प्यार नहीं ना देवांगे, बच्चे बाहर चल जाएंगे प्यार लब्भण, फिर तुहानूं पता किद्दां दा प्यार मिलता। हालेलुया। हुण पवित्र कलाम दे विच लिखिया, कहिंदे तुहाडे शरीर की ज्योति की हन? तुहाडियां अखां। तुहाडी शरीर की ज्योति की हन? तुहाडियां अखां। कि तुहानूं की लगता कि तुहाडियां अखां हमेशा सही देखदियां, पवित्र देखदियां साडियां अखां? नहीं देखदियां। हालेलुया। असी ओ जन हाथ खड़ा करो जिन्हां दे कोल बाइबलां हैगियां, अपने बाइबलां नूं उच्चा उठाओ, अपने वास्ते ताली मारो प्रभु दे नाम। हुण ਉਹ ਜਨ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਈਬਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਓ। ਆ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਪਵਿੱਤਰ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਂ? ਮੰਦਿਰ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
असी अपने बच्चों को फोन दे दें भी लै बेटा तू यूट्यूब देख ला कि चुप तो बैठा मैं काम कर आनी हाँ ठीक है असी दिने ना फोन असी उन्होंने अच्छी अच्छी शिक्षा भी दिने नो डाउट शिक्षा देनी बहुत अच्छी गल आ बच्चे की नॉलेज बढ़ती है पर आ कि शिक्षा आ संसारिक कदे असी उन्होंने आ वचन की शिक्षा दी आ हले लुई आ कदे असी अपने बच्चों आ वचन की शिक्षा दी जी मरण तो बाद भी थोड़े बच्चे के नाल रहनी कदे असी उहदी टेंशन लई आवाज़ नहीं आई टेंशन लई कदे असी नहीं लई हुण मैं तुहानू वचन दे विचों पढ़ानी कि प्रभु ने किदा दस्या प्रभु ने कहा अपने बच्चे नू की कर ताड़ हले लुई आ असी कढ़ांगे नीति वचन 22:15 आयत कहिंदे जब तक आशा है अपने पुत्र की ताड़ना कर अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप उसका जीवन बर्बाद करोगे हले लुई आ प्रभु ने की क्या कहिंदे जदों तक आशा आ आशा मीनस जदों तक तुहाडा बच्चा तुहाडे नाल हैगा आ तद तक उन्हों ताड़ ताड़ना मतलब ताड़ांगे असी ताही वह सुधरूगा अगर असी अपने मम्मा नू कोई भी चीज़ दिने ना दिखाने हमेशा कोई ना कोई गलती करते क्योंकि उन्होंने मन में हुंदा आ फिर साडे मन में भी आ जाता कि मम्मा ने मेरे आह वाली चीज़ में गलती कढ़ी तो मैं अगली बार इनू की करना होर सुधारना आ हले लुई आ प्रभु ने कहा कहिंदे तू उहदी ताड़ना कर जे असी ताड़ना नहीं करते असी किसे दा जीवन नहीं बर्बाद करते असी अपने खुद अपने हत्थां नाल अपने बच्चों का जीवन बर्बाद करते हैं हले लुई आ मैं तुहानू एक होर एग्जाम्पल दिनी हाँ शॉर्ट विच दऊंगी एक माँ सीगी उहदा एक छोटा जिहा बेटा सीगा हले लुई आ वह बेटा सीगा उहदा पहलां तां उहने अपने छोटे हुंदे ने पहलां उहने अपनी माँ मम्मा की आग्ञा नहीं की पर उहदे मम्मा ने कोई भी नोटिस नहीं किया वह कहिंदे चल छड्ड छोटा आ वड्डे होके आप ही सुधर जूगा ठीक है थोड़ा जो उहदा बेटा होर वड्डा होया वह की करन लग पिया अपने मम्मा नू गाला कढ़न लग पिया चंगी गल उहदे वास्ते नहीं आ गाला कढ़न लग पिया पर फिर भी उहदे मम्मा ने उहनू कुछ नहीं किया हले लुई आ जो वह कहिंदे सीगे कहिंदे नहीं छोटा आ वड्डा होगा जो अकल आऊगी इहनू आप ही समझ जूगा हले लुई आ फिर जो वह होर थोड़ा जिहा वड्डा होया ना वह की करन लग पिया स्कूल पै गया चोरियां करन लग पिया हले लुई आ जो भी टीचर उन्हें बुलाती से मम्मा नू कंप्लेंट करन वास्ते हमेशा उहदी मम्मी अपने बेटे का साथ दिंदी सी क्योंकि कोई चाहता है कि साडे बच्चे नाल बुरा होवे कोई माँ चाहती है कि कोई पापा चाहते कि उन्होंने बच्चे नाल बुरा होवे नहीं चाहते हमेशा अपने बच्चे का साथ दिंदी सी कहिंदी कि मैम मैं कहड़ा स्कूल रहनी हाँ तुसी मेरे बच्चे नू सुधारना आ वह कह के गल फिनिश करके वह चल जाती सी थोड़ा होर वड्डा होया उहदा बच्चा की करन लग पिया नशे करन लग पिया हले लुई आ जदों नशे करन लग पिया तो उहदी गलत सोसाइटी विच पै गया तो 3-4 मुंडिया ने मिल के एक जाने नू मारता हले लुई आ किन्नी भयानक गल आ एक जाने नू मारता फिर जदों उहनू ना 20 साल की सज़ा हो गई जदों उहनू पुलिस वालिया ने पुछया कहिंदे हुण तां तू 20 साल बाद आना हुण दस तेरी आखिरी इच्छा की आ कि तू आखिरी बार किहनू मिलना चाहुंदा तो उस बच्चे ने पता की क्या कहिंदा आखिरी बार मैनू मेरी माँ ना मिला दो हले लुई आ उन्हां नू लगा कि माँ दे नाल ज़्यादा प्यार होना चलो मिला दिंदे आ उन्होंने उहदी मम्मी नू बुलाया वो कहिंदा माँ मेरे कोल आ की कहिंदा माँ मेरे कोल आ उन्हूं लगा कि जफ्फी बाणी होनी मेरे बेटे ने जदों उहदे कोल गई ना उस बेटे ने अपनी माँ का पूरा कन्न ही खा लिया दंदियां वढ़ के पूरा लहू लुहान करता उहदा कन्न क्यों किया बाद विच पता उस बेटे ने की किया अपनी माँ नू कहिंदा माँ जे तू मैनू छोटे हुंदे ही ताड़ दिंदी ना तो अज मैं यही नहीं करना सीगा गलतियां किहदियां आ साडियां भुगत कौन रहूगा फिर फ्यूचर विच साडे बच्चे हले लुई आ असी कढ़ांगे नीति वचन 23:13 आयत लड़के की ताड़ना ना छोड़ना क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा हले लुई आ प्रभु ने की क्या अपने बेटे की ताड़ना करना ना छड़ना जैसे उन्हें ताड़ांगे वह मर नहीं जाऊगा सुधरूगा ही हले लुई आ हुण मेरे मम्मा ने भी मेरे वास्ते छड़ी चकी आ वो वाली छड़ी ना चक लियो घर जाके और अपने बच्चे दे लाशां वाइया हुण तुसीं आह वाली छड़ी चकनी आ वचन की छड़ी हुण मेरे मम्मा ने मेरे वास्ते आ छड़ी चकी आ नोटबुक बनाई है एक बार की लिखा आ आई एम सुपर ब्लैसड इन जीजस नेम सारे बोलो आई एम सुपर ब्लैसड इन जीजस नेम कि मैं हूँ सुपर ब्लैसड हाँ मैं प्रभु की बेटी हाँ मैं प्रभु का बेटा कोई भी शैतान की ताकत मेरे उपर प्रबल नहीं हो सकती हले लुई आ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਫਿਕਸ ਟਾਈਮ ਆ 9:30 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਇਸ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁੱਤ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਲੇਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰਾਜਾ ਹਿਚਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 15 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਲੇਮ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਲੇਮ ਕਰੋਗੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਤੀ ਵਚਨ 29:17 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਤਾੜਨਾ ਔਰ ਉਸਦੇ ਤੁਝੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ, ਸੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਧਾ, ਮੈਂ 1000 ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਰੱਖਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੋਲਡ ਕਰਨਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਟਕਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਢਾਲਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਜੌਨ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਧਰ ਉਹਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਚਰਚ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਧਰ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ? 15 ਜਾਂ 20 ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜੌਨ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਲ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੜਕ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ? ਹੋਸਪਿਟਲ ਲੈ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਲੱਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆ, ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ। ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਚਾਨਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ? ਅਚਾਨਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਜੌਨ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ? ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਕਸਡ ਟਾਈਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ 9 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਫਰੈਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਧਰਮੀਆਂ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਸ਼ਾਇਆ 33:3 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਝੇ ਪੁਕਾਰ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਝੇ ਉੱਤਰ ਦੂੰਗਾ। ਜੌਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਯਹੂਦੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਵਿਵਸਥਾ। ਵਿਵਸਥਾ ਮਤਲਬ ਵਚਨ। ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਖਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਮਾਂ ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਆ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਣਾ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵਚਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ, ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
तू तू कह के बुलाते। मैं खुद अपनी अखा नाल देखा छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल भी अपने माँ बाप का की नहीं करते, आदर नहीं करते। वो क्यों नहीं करते? हालेलुया। वो क्यों नहीं करते? क्योंकि तुहाडा रिश्ता प्रभु तो बहुत अजे दूर आ, तुसी अजे प्रभु नाल चंगी तरह नहीं जुड़े, इसलिए तुहाडा बच्चा भी तुहाडे तो दूर आ, इसलिए तुहाडा बच्चा तुहाडी आग्ञा नहीं करता। प्रभु की पहली आग्ञा, दसा आग्ञा विचों पहली आग्ञा की है प्रभु की? माँ बाप का आदर करो। तुहाडे बच्चों ने तुहानू देखा आ तां भी नहीं वो तुहाडा आदर करते, तो प्रभु नू तां तुहाडे बच्चों ने देखा ही नहीं आ, तुहानू लगता वह आदर करूंगे? लगता नहीं। असी अपने साडा रिश्ता प्रभु तो बहुत दूर है, इसलिए साडे बच्चे साडा आदर नहीं करते। जो तो असी अपना रिश्ता प्रभु दे नाल गहरा करांगे ना, तो साडे बच्चे भी साडे नाल उन्ने ही प्यार साडा हो जूगा, फिर सानू तू तू कह के नहीं बुलाऊगे वह। हालेलुया। ता ही भजन घर भजन लिखता कहिंदा रब कहण नालों पहला माँ कहना सीख लै। हालेलुया। की कहिंदा? रब कहण नालों पहला माँ कहना सीख लै। हुण असी रोज़ सवेरे उठ के अपने बच्चों को की कहना आ? सवेरे उठ के तुसी वड्डी जी स्माइल दे नाल ना जुफी वा के अपने बच्चों को कहना आई लव यू मेरे बेटे, आई लव यू मेरी बेटी, ताकि जे आ वाला वर्ड उन्हें बारों सुनने को मिले ना, कितों कोई उन्हें कहे आई लव यू तो की बोले हो लै आ तो मेरे मम्मा पापा मैनू रोज़ बोलते, तू कि नवा आई लव यू लैके आया मेरे वास्ते। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की। हुण जेड़े पेरेंट्स अपने बच्चे नू घर लॉक ला के आते ना कि तू इत्थे बह ते मैं बंदगी अटेंड करके आऊँगी, प्रभु ने कहा बहुत गलत गल आ। प्रभु ने कहा तुसी मौत नू आप बुलावा दे रहे हो। तुसी घर जाके इफिसियो 6 आयत नू पढ़े, उहदे विच की लिखा माता पिता और बच्चे, उहदे विच दस्या प्रभु ने कहा जे तुसी मेरे बारे अपने बच्चों नू नहीं ना दसूंगे, उहदे नाल एक प्रतिज्ञा भी होनी आ। तुसी अपने बच्चों नू जे तुहाडे बच्चे यूट्यूब देखते ना तो उन्होंने वो खोल के दो जिहड़े छोटे छोटे बच्चे प्रचार कर रहे, छोटे छोटे बच्चे भविष्यवाणियां कर रहे, ताकि वह भी तुहाडे बच्चे वचन सुनन। हालेलुया। किन्ने जाने ने बपतिस्मा लिया आ? हाथ खड़ा करो। हालेलुया। हुण वो जन हाथ खड़ा करो जिन्हें बपतिस्मा लैके कदे पाप नहीं किया, पाप नहीं किया कदे भी नहीं। वेरी गुड, ताली मार दो इस पैण वास्ते। हुण तीसरा क्वेश्चन मेरा ये आ, तुसी तौबा करना चाहते हो? दोबारा आवाज़ नहीं आई। तुसी तौबा करना चाहते हो? तुसी किद्दा तौबा करनी आ? अपने बच्चों नू वचन दे विच खराई नाल चला के, अपने बच्चों नू वचन दे बारे दस के। जे तुहाडा बच्चा थक्का बाहरों आंदा ना, सानू तरस आ जांदा कि लै मेरा बच्चा बाहरों आया थक के कि मैं चल तू हुण सो जा। उन्हू आह कहो कि तू जिन्ना टाइम बाहर लग आया ना उन्ना टाइम प्रार्थना नू भी दे, उन्ना टाइम तू बाइबल नू भी बाइबल पढ़। कहने असी नहीं कहते? हालेलुया। हुण मैं बीज बोता आ, फल लियाना प्रभु की इच्छा आ, तेनू वड्डा करना तुहाडी इच्छा आ। वड्डा तुसी इहनू किद्दां करना? प्रार्थना दे नाल, प्रेयर करके ते वचन पढ़ के। इहनू एक एड्डा वड्डा वृक्ष बना दो ना कि प्रभु इहदे नीचे बैठ के छां लैण। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की। जे हुण छोटे हुंदे ही असीं अपने बच्चों नू मोबाइल फड़ाते ना, वड्डे होके वह गल नहीं मनूंगे, बदमस्तियां करूंगे। जे हुण छोटे हुंदे ही असीं अपने बच्चों नू बाइबल फड़ाती ना, यीशु दे नाम दे विच वड्डे होके वह भविष्यवाणियां करनगे। हालेलुया। मुर्दे जिलणगे उन्हां। हालेलुया। मैं एक बार फिर तो तुहाडे सारयां दा धन्नवाद करदी हाँ, अभिषेक दास दासी दा ते तुहाडी सारी कलीसिया दा धन्नवाद करदी कि तुसी मैनूं सुणिया। गॉड ब्लैस यू सारयां नूं। जय मसीह की।